भगवंत मान के संसद वीडियोग्राफी मामले की जांच के लिए बनी कमेटी की आज फिर होगी बैठक। कमेटी ने माना घटना से संसद के सुरक्षा इंतजामों की खुली पोल, 28 जुलाई को पेशी। आज बरनाला में होगा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का संगत दर्शन। नवाशहर के बंगा विधानसभा क्षेत्र में उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का कार्यक्रम, तो नंगल में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी कॉफी विद कैप्टन मुहिम को बढ़ाएंगे आगे। दीनानगर आतंकी हमले की बरसी, पहली बरसी आज। हमले में शहीद हुए सैनिकों के परिजन निकालेंगे मार्च। पिछले साल इसी दिन सीमा पार से आए 3 हथियारबंद आतंकियों ने दीनानगर थाने पर किया था हमला। मोहाली के लिए आज बड़ा दिन। पंजाब के रेवेन्यू मिनिस्टर विक्रम सिंह मजीठिया और कृषि मंत्री तोता सिंह करेंगे सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन। बेअदबी मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी। पंजाब में जिला मुख्यालयों पर आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पंजाब में इसराइल पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब आम आदमी पार्टी ने इसराइल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दखल देने की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल खुद को इस मुद्दे पर गंभीर बता रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन फीस में इजाफा कर दिया गया है। हर छात्र को करीब 1500 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी की सीनेट में फीस बढ़ाने का फैसला हुआ। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी कमलनाथ आज करेंगे प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक। नेताओं के बीच तालमेल को लेकर होगी चर्चा। कमलनाथ के सामने प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करना एक बड़ी चुनौती। हरियाणा विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में हुई बैठक। इस बैठक में हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा पार्टी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने उन बातों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कुछ विधायक नाराज हैं। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने उम्मीद जताई है कि जीएसटी बिल आम सहमति से पास हो जाएगा। जींद के निजाना गांव में अज्ञात बीमारी की चपेट में आए मवेशी, अब तक 30 से 45 मवेशियों की हो चुकी है मौत। हिसार से आए विशेषज्ञों की टीम ने पशुओं के खून और स्थानीय तालाब के लिए सैंपल, दहशत में लोग। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की संपत्ति पर हिमाचल विजिलेंस की नजर। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से पत्र लिखकर मांगा उनकी संपत्ति का ब्यौरा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एलआईसी एजेंट आनंद चौहान की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। 9 अगस्त तक बढ़ाई गई आनंद चौहान की न्यायिक हिरासत। 2 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। मनाली गैंगरेप मामले में 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में किया गया पेश। आईजी ने दी जानकारी, बाकी 3 आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। मनाली गैंगरेप पर हिमाचल में शुरू हुई सियासत। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने वीरभद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश विदेश में खराब हुई प्रदेश की छवि, हिमाचल कांग्रेस ने भी किया पलटवार। कश्मीर में कई इलाकों में तनाव बरकरार, कर्फ्यू में ढील देने के बाद श्रीनगर, डाउनटाउन और कई दूसरे इलाकों में फिर बिगड़े हालात। कल एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया था एक जिंदा आतंकी। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमातुल दावा के सदस्य जम्मू कश्मीर में हुई हालिया हिंसा में घायल हुए लोगों के इलाजों के लिए वहां जाना चाहते हैं तो वे उन्हें वीजा नहीं देंगे। नरसिंह यादव की रियो ओलंपिक में दावेदारी को लेकर आज बड़ा दिन है। नाडा करेगा अपनी फाइनल सुनवाई। नरसिंह को नहीं मिला क्लियरेंस तो प्रवीण राणा का रियो टिकट पक्का। भारतीय एथलेटिक्स में इतिहास रचने वाले पानीपत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा लौटे देश। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। नीरज ने पोलैंड में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक कर बनाया था नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एयरफोर्स के लापता हुए विमान AN-32 का 5 दिन बाद भी नहीं
लगा कोई भी सुराग। एयरफोर्स, नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीम AN-32 के तलाशी अभियान में जुटी हुई है। इनमें नौसेना के 13, कोस्ट गार्ड के 4 जहाज शामिल हैं। लापता प्लेन में 6 क्रू मेंबर्स समेत 29 लोग सवार थे, लेकिन लगातार जो है उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, जिससे परिजन बेहद परेशान हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पहली पुण्यतिथि। रक्षा मंत्रालय करवा रहा है कई कार्यक्रमों का आयोजन। आज तमिलनाडु के रामेश्वरम में डॉक्टर कमल की समाधि स्थल पर बनने वाले स्मारक की रखी जाएगी आधारशिला। गुड़गांव में मनाया गया 45वां कार फ्री डे। पुलिस के साथ सड़क पर उतरे जिला एवं सत्र न्यायाधीश। स्वास्थ्य और प्रदूषण के मद्देनजर हफ्ते में एक दिन साइकिल चलाने की अपील की गई। कृषि क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने वाले किसानों को जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने एग्री अवार्ड 2016 से सम्मानित किया। पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह, पशुपालन मंत्री गुलजार सिंह राणी के भी रहे मौजूद। सम्मानित किसान बोले, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का कदम किसानों के लिए प्रेरणादायी। देश की रक्षा में कुर्बान हुए हिसार के शहीद पवित्र सिंह का नमन को किया गया नमन। गांव मिलकपुर में शहीद के जन्मदिन पर कई देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन। शहीद पवित्र सिंह ने 11 दुश्मनों को मौत के घाट उतारकर ली थी अंतिम सांस। अगले 24 घंटे में पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जताई संभावना, दोनों राज्यों में इस बार अच्छी बारिश के आसार।